हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गुप्ता। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज जबरदस्त न्यूज है। न्यूज ये है कि साउथ वाले जो हैं कदम पर कदम रखते जा रहे हैं। सबसे पहले प्रभास के रूप में बाहुबली जो राजा मौली ने जो है प्रभास के रूप में झटका दिया। उसके बाद जो है यस रॉकिंग स्टार यस के रूप में झटका मिला। फिर उसके बाद जो है अल्लू अर्जुन के रूप में झटका मिला। तो ये जो है साउथ का क्रेज जो है बॉलीवुड में झटके पे झटका देते जा रहा है और यहाँ पे जो है वो झंडे पे झंडे गाड़ते जा रहे हैं और एक एक स्टार जो है यहाँ पे अपने जो है फॉर्म में आते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही हुआ तो हमारे बॉलीवुड का क्या होगा। दोस्तों, अब रह गई दूसरी बार रवि तेजा, जबरदस्त स्टार, मतलब मास के रूप में उन्हें जानते हैं, एक्शन स्टारेट जो कि उनको जो है बेखूबी जो है कॉमेडी से लेके वो जो है फाइट एक्शन सब जो है उनको देखने के लिए सब लोग जैसे अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बेताब रहते हैं वैसी रवि तेजा को। तो दोस्तों, उनकी मूवी जो है खिलाड़ी मूवी जो है अब जो है तेलुगू और भी जो भाषा में आनी थी अब उसके साथ जो है पेन इंडिया रिलीज रवि तेजा की भी मूवी होने वाली है 11 फरवरी को। बधाई हो को टक्कर देगी। बधाई हो को टक्कर क्या देना है, बधाई दो, बधाई हो, बधाई बधाई तो चलने वाली नहीं है। अब रह गई उसके सामने अगर ये साउथ की मूवी आ जाती तो नामुमकिन है। नामुमकिन इसके लिए है, इसलिए है क्योंकि अल्लू अर्जुन ने जो है जो कमाल दिखा है अभी भी थिएटर में लगी है कमाल दिखा रही। और रवि तेजा अब आ रहे हैं, वो भी अपना जो है पेन इंडिया रिलीज करेंगे और किस्मत आजमाएंगे बॉलीवुड पे। दोस्तों, पहली बात है कि साउथ वाले लोग जो है उनका एक स्टार्डम होता है और वो ऐसी स्टोरी बनाते चाहे कोई भी हीरो हो, कैसे भी हीरो हो, जाड़ा पतला मोटा कैसा भी हो, लेकिन उनका जो है उनके स्टोरी में दम होता है। अगर आप मूवी देखने बैठ जाओ तो आप बीच में नहीं पूरे लास्ट तक आपको देखोगे और उनको छोड़ोगे नहीं। सब लोग बोलते हैं कि एक मारो दस गिरते हैं। अरे भाई, मेरे मूवी तो इसीलिए होती है, मूवी यही होती, यही तो इंटरटेनमेंट है। जब ये सब दिखाया जाएगा तभी तो आप देखोगे कि एक मारा दस गिरे। तो यही सब बातें हैं। ये मूवी जो है आ रही है और इसमें भी उसी तरह का एक्शन रहेगा, एक मारो दस गिरेंगे। अब रहेगी दूसरी बात, भले ही ये मूवी हर एक साउथ की मूवी आ रही है लेकिन ये सब साउथ की मूवी रिलीज होने से हमारे जो है बॉलीवुड में प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर तक हीरो लोग को जो है सीख मिलेगी और वो भी जो है कुछ अच्छा करना चाहेंगे, अच्छी मूवी देना चाहेंगे। मैं तो बोलता हूँ लाइन से आते जाओ आते जाओ, कम से कम बॉलीवुड में भी तो अच्छी मूवी बननी चालू होगी। क्योंकि ये लोग ऐसे बनाते हैं कहाँ क्या क्या हो रहा है इनको खुद को खबर नहीं होता, हम कैसे देखेंगे। अब तो लाइन पे आएंगे, कम से कम अच्छी खासी मूवी बनाएंगे। तो दोस्तों, खिलाड़ी रवि तेजा की मूवी मास के नाम से जबरदस्त जाने जाते हैं। अब जो है किस्मत आजमाने बॉलीवुड में आ रहे हैं और किस्मत उनकी तो चमकी हुई है क्योंकि हिंदी उनको हिंदी वर्जन में बहुत जन देखना चाहते थे अल्लू अर्जुन के बाद जो है अब जो है रवि तेजा भी आ रहे हैं और उनकी भी किस्मत बल्ले बल्ले है और पब्लिक उन्हें देखेगी। तो दोस्तों, बस इतना ही, मैं यही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। नमस्कार, जय हिंद।